बीजेपी का ये ढकोसला कार्यक्रम है। बाबा साहेब अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग और उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग ये बीजेपी के साथ नहीं है लोग। बीजेपी बराबर दलित पिछड़ की राजनीति को कुचलने का कार्य किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने जो बिहार में आरक्षण दिया जातीय गणना के आधार पर, उससे ये लोग बौखलाए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि बाबा साहेब के विचार पर चलने वाले, उनको मानने वाले लोग इस धरना प्रदर्शन में नहीं आए हैं लोग। कभी मुख्यमंत्री से ऐसा सब नहीं निकला है और ये लोग जानबूझकर कोई चीज को तूल देना चाहते हैं। अनुसूचित जाति जनजातियों को अपने तरफ करने के फिराक में है बीजेपी। ऐसे में आज अंबेडकर समागम का आयोजन किया गया है पटना के मिलर हाई स्कूल ग्राउंड में। बताते चले आपको कि लाखों लाख भीड़ इकट्ठा करने की बातें हो रही है और कहीं ना कहीं पूरा पटना भर देने की बातें कही जा रही है बीजेपी के नेताओं के द्वारा। हमारे साथ बात करने के लिए राजद से गोह विधायक भीम सिंह यादव हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। भीम जी, आज अंबेडकर समागम का आयोजन किया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग पहुंच रहे इस कार्यक्रम में, ऐसे में लाखों लाख भीड़ इकट्ठा करने की बातें हो रही है, कैसे देख रहे हैं इस कार्यक्रम को? ये आपको बता दें कि बीजेपी का ये ढकोसला कार्यक्रम है। बाबा साहेब अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग और उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग ये बीजेपी के साथ नहीं है लोग, इसलिए कि बीजेपी बराबर दलित पिछड़ की राजनीति को कुचलने का कार्य किया है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी ने जो बिहार में आरक्षण दिया जातीय गणना के आधार पर, उससे ये लोग बौखलाए हुए हैं। और कभी बाबा साहेब के, कभी कर्पूरी जी को ये लोग जयंती मना रहे हैं और उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, जनता सब जान रही है। और मैं आपको बता दूं कि इनके जो आज बाबा साहेब के समागम के नाम पर ये लोग जो आज कार्यक्रम कर रहे हैं, एकदम ढकोसला है। और इसमें मैं समझता हूँ कि बाबा साहेब के विचार पर चलने वाले, उनको मानने वाले लोग इस धरना प्रदर्शन में नहीं आए हैं लोग। और आज आपसे कहना चाहेंगे कि जो बीजेपी के लोग हैं, दलित पिछड़े लोगों को उच्च सिंहासन पर इसलिए बैठाते हैं कि हमको वोट लेना है और उनके अधिकार की बात नहीं करना और उनके अधिकारों को ख़त्म करना है। जो बाबा साहेब ने संविधान में दलित को आरक्षण दिया या पिछड़ी जाति को दिया, उसको ये समाप्त कर किए हैं लोग और उसको जनता में दिखावा, इनकी पकड़ी गई है सारी करतूत को जनता में दिखाने के लिए बाबा साहब के नाम को ये लोग भंजा रहे हैं। लेकिन कहा ये जा रहा है कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव दलितों के नकली नेता हैं, ऐसे में दलितों के हित में इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है। नीतीश कुमार पर हमलावर दिख रहे हैं बीजेपी के लोग, कह रहे हैं कि भरी विधानसभा में नीतीश कुमार तू तड़ाक करके बात करते हैं जीतनराम मांझी से। ऐसी कोई बात नहीं है जी। कभी मुख्यमंत्री से ऐसा शब्द नहीं निकला है और ये लोग जानबूझकर कोई चीज को तूल देना चाहते हैं। और जहाँ तक बात रही बाबा साहब के मानने वाले लोग, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मानने वाले लोग, यही लोग गाली देते थे जननायक कर्पूरी ठाकुर को और बाबा साहब को अपमानित करने का ये लोग काम करते थे। इसलिए जनता सब जानती है और ये लोग अपनी करनी को पचाने के लिए ये सब तरह तरह के ये धरना प्रदर्शन या उनका कार्यक्रम ये लोग करा रहे हैं। दलित विरोधी हैं ये बीजेपी के लोग? बिल्कुल दलित विरोधी हैं। आप देखिए पार्लियामेंट का जो उद्घाटन था, महामहिम राष्ट्रपति जी को इन लोगों ने निमंत्रण तक नहीं देने का कार्य किया। हाँ। और एक मुखौटा समझ करके राष्ट्रपति जी हो या और बीजेपी में जो दलित के बड़े लीडर हैं, वो एक मुखौटा है, उनका कोई चलने वाला नहीं है, ना उनकी बात कोई सुनने वाला है और उनके अधिकार को वहाँ ख़त्म किया जा रहा है। दलित उन लोगों की तरफ नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे महागठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ हैं और बाबा साहेब के असली मानने वाले लोग हमारे नेता लालू प्रसाद जी, नीतीश कुमार जी, ये लोग उसी विचारधारा से आए हैं आज देश में। और इंडिया के गठबंधन के सारे लोग बाबा साहेब को मानने वाले लोग हैं।
देखिए, जो दलित वोट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ नहीं जाएगा, और बाबा साहब को मानने वाले लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी में कोई नहीं है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, और जिस तरीके से अम्बेडकर समागम किया जा रहा है बस ये दिखावा है, और कहीं ना कहीं दलितों को अपनी तरफ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दलित कहीं ना कहीं जान गए हैं, जाग गए हैं, और आने वाले समय में कहीं ना कहीं जवाब देंगे। भीम सिंह यादव थे हमारे साथ, राजद से गो विधायक है, ऐसे में यह साफ कहते हुए नजर आए थे बीजेपी को लेकर कि ये लोग खुद दलित विरोधी हैं और दलितों का विरोध करते हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।